नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ते सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए बिजनेस की, और ये बिजनेस इसी से संबंधित है, अपनी सिविल वर्क से संबंधित है। और जिन लोगों के पास अगर पैसे का अभाव है, जिनके पास मतलब मोटी रकम नहीं है लगाने के लिए, अगर उनके पास 2-4-5 हज़ार रुपये भी हैं, तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा पैसे का आपको कोई लोड नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, मैं इस बिजनेस को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को घर बैठे ये बिजनेस करना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है ये पूरी मैं डिटेल बता रहा हूँ, और इस बिजनेस के बारे में आपको ABCD बताऊँगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो बिजनेस है ये है अपना सीमेंट, रोड़ी और डस्ट, जिसको बालू या रेती भी बोलते हैं, ये इसका बिजनेस होगा। और इसको बिना पैसे के कैसे करें, ना तो आपको इसके लिए कोई दुकान खोलनी है, ना आपको कोई गोदाम लेना है, और ना आपको माल खरीद के अपने पास कहीं रखना है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको कोई गोदाम दुकान कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं अच्छी जगह दुकान खोलोगे तो उसमें भी दिक्कत है। हाँ, अगर आपके पास कोई नॉर्मल जगह है, जैसे अपने पास घर में या घर के आसपास अपना कोई खेत है, ऐसी जगह है जहाँ आपके पास अगर जो दुकान उपलब्ध है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ये चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं और ये मेरे से भी जुड़े हुए हैं। वो लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। अब आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इसके लिए मैं डिटेल से बताऊंगा कि सर्वप्रथम आपको जहाँ पहले रोड़ी जहाँ बनती है, जैसे क्रेशर होता है इसका, जहाँ रोड़ी बनती है, डस्ट बनता है, ये क्रेशर जोन होता है। अब इसके पास आपको वहाँ जाना है एक बार, और वहाँ जाके आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है। दोस्तों, वहाँ आप जाओगे तो आपको ऐसी मेहमान नवाजी की जाती है, क्योंकि वहाँ हर कोई चाहता है कि हमारा माल यहाँ से कोई खरीद कर ले जाए। और अगर आपने उनको ये बोल दिया कि सर मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉल करके और माल का ऑर्डर दूंगा, आप मुझे माल वहाँ पहुँचाना है, तो आपके लिए ये काम वो कर देंगे। उनको पता है कि आपका माल, उनको माल बेचना है, आपको माल खरीदना है। अब आपको माल खरीदना है तो इसके लिए एक चीज़ विशेष ध्यान रख लें। पहले उनसे ये बात करें कि सर देखो, ऐसा है मैं आपसे माल खरीदूंगा और गाड़ी के साथ ही आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा। उस तरीके से आप उनसे बात करोगे, और आपको वहाँ से डिसीजन लेना है कि किस तरीके की रोड़ी, कौन सी रोड़ी है, किस क्वालिटी की है, ये पूरी जानकारी उनसे लेनी है। डस्ट के बारे में भी देखना है, नीला डस्ट अलग होता है, उसकी अलग रेट होती है, और वाइट जो है वो अलग होता है, नीली रोड़ी होती है वो अलग होती है, मतलब उनका हर चीज़ का अलग अलग क्वालिटी, और क्वालिटी के भी पैसे होते हैं। आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज़ में कहीं नहीं करना है। जो क्वालिटी आपको वहाँ से लेनी है, जिस क्वालिटी के आप पैसे लोगे, उसी क्वालिटी को आपको वहाँ देना है, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है। और जिसने ईमानदारी से अगर रेगुलर काम किया तो उसका बिजनेस आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब आपको वहां से ये पूरी डिटेल ले ली, वहां पे आप पूरा डिटेल एक दिन के अंदर अंदर पूरी डिटेल्स लेके वहां से आ सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आज से कम 15-16 साल पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ। राजस्थान, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में कामा, कोसी कामा की जगह है वहां पे, वहां पे रोड़ी के क्रेशर्स हैं, वहां से रोड़ी बन के आती है, क्योंकि बहुत सारी जगह जो वहां से रोड़ी आती है। मैंने वहां से भी एक बार जाके, और मैं वहां गया हूँ, वहां से एक ट्रक मतलब 500-600 फुट रोड़ी वहां से मैं लेके आया था अपने घर के लिए। ये आज से करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब दोस्तों, आप क्या करें, इस तरीके से उनकी पूरी डिटेल ले लिया, और उसके बाद में आप आ जाएं अपने क्षेत्र में। अब क्षेत्र में आके आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप जाएं और जहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही हो, मतलब नए घर बन रहे हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि भाई नया घर बन रहा है, तो नया घर बनेगा तो वहाँ पे खुदाई उदाई चालू हो जाती है। अब आप जाके, या कोई फैक्ट्री बन रही है, जो भी है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उन मालिकों से मिलोगे कि सर मुझे आप अगर ऑर्डर दोगे तो मैं आपको ये माल सप्लाई कर सकता हूँ, जैसे डस्ट हो गया और रोड़ी हो गई, और इसके साथ साथ में
आप सीमेंट का भी कर सकते हो। सीमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको उनसे डिस्कस करना है जो डीलर बैठे हैं। सर्वप्रथम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, डीलर की बात कर रहा हूँ। आप पहले डीलर से जाके मिले, आपको प्रॉफिट वो कम देंगे। एवरेज मान के चलता हूँ मैं, 5 से 10 रुपये आपको पर कट्टे आपको ये प्रॉफिट दे देंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्रॉफिट है, मैं जानता हूँ इस बात को। और पहले आपको कम प्रॉफिट में काम करना है, क्योंकि एक बार आपका जब माल बिकने लग जाएगा, फिर आप हर कोई आदमी आपकी मतलब वो चालू कर देगा। कैसे कि एक को दिया आपने, तो वो आपसे कहेगा, किसी और से भी कहेगा, अरे यार माल उससे मंगवा ले, वो थोड़ा मामला ठीक है उनका, अच्छा देता है और माल अच्छा होता है, पैसा भी कम लेता है। क्योंकि आप उनसे कम दोगे, पूरा माल देना आपको, ये विशेष ध्यान रखना। कभी भी आपको माल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है कि कम देना या ज़्यादा देना, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल एक्यूरेट जितना है उतना देना है। और लेकिन उनसे ये तय जरूर कर लें कि सर मुझे माल गाड़ी पहुंचते ही मुझे पूरा पेमेंट चाहिए, गाड़ी खाली तब होगी। क्योंकि गाड़ी खाली करने से पहले अगर पेमेंट आप दे देते हो, तो मैं आपको माल पहुंचा सकता हूं, अन्यथा माल नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरी गारंटी रहेगी। आप प्रेजेंट टाइम में आप माल चेक कर ले, पूरा मिलेगा। माल अगर खराब हो तो मेरा माल वापस कर देना, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरीके से अगर उनको एक बार ये मौका आपको मिल गया, एक बिल्डिंग में कई गाड़ी माल लगता है, रोड़ी भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, अगर आपके मान के चलो 200 कट्टे, 300 कट्टे या 400 कट्टे भी एक बिल्डिंग के अंदर अगर चला गया, तो 400 की अगर आपको मान के चलना 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास बहुत पैसे बन जाएंगे। आपके फुट के हिसाब से अगर आपको 5 रुपये फिर भी मिलता है, तो आपको बहुत फुट होता है। और छोटी छोटी चीज़ें गणना करके देखना, गुणा भाग करके देखना, बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर आपको महीने के अंदर, मैं कह रहा हूँ, अगर 4 भी पार्टी ऐसी मिल गई जिन्होंने ये माल मंगवा लिया। दोस्तों आज के ज़माने में एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बाग इस चीज़ को जरूर ध्यान देते हैं, पैसे बचत के चक्कर में आपको कैश पेमेंट दे देंगे, तुरंत पेमेंट कर देंगे। आज का ज़माना ऐसा है, आप उन लोगों से करें पहले पेमेंट बाद में माल, ऐसे लोग बहुत हैं आजकल हैं। क्योंकि पहले ऐसे लोग कम थे कि पहले ये करते थे कि चलो बाद में दे देंगे, ये कर लेंगे। लेकिन अब काम ऐसा हो गया, उनको पता है कि जब भी कोई घर बनाता है तो उनके पास पैसा होता है, और वो पैसा आपको देंगे। आपके माल पहुंचा, आप उनसे पेमेंट पहले ले ले, गाड़ी खाली करने से पहले पहले नपवा दें, उसके बाद में उसको पेमेंट लें और अपना काम करें। इस तरीके से अगर आपने ये बिजनेस चालू कर लिया, इसके बाद में आप खुद बड़ा स्टॉक खोल सकते हो, खुद सीमेंट की एजेंसी ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। क्योंकि एक बार आपका रोटेशन घूम गया, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप वहाँ से गाड़ी लाएंगे जहाँ पे क्रेशर है, वहाँ से डस्ट की और रोड़ी की गाड़ी लेके आनी है, यहाँ आके आपको सप्लाई करनी है, बस कोई कुछ नहीं करना। माल आपका एक नंबर का हुआ, उनसे पहले तय कर लें, अगर माल की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज है तो आपकी गाड़ी के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी तरीके की कोई भी वो नहीं करेगा, आपसे कोई इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं करते हैं वो लोग, मैंने देखे हैं। लेकिन आप माल का जितना है उतना माल, पूरा माल लेना है और पूरा ही माल देना है। दोस्तों अगर आपने ये बिजनेस किया, तो मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर अंदर आप खुद का इतना बड़ा वो लगा सकते हो, अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1-2-4 महीने का धैर्य रखना है। सिर्फ आपको घूम फिर के पूरे एरिया का निरीक्षण करना है, जिसका भी जहाँ भी किसी का घर या किसी की फैक्ट्री बन रही हो, जिस एरिया में हो आप, उस एरिया के आसपास की जगह को आप अगर ये काम कर लिया, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ आपको लाखों रुपए महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता।